हाय दोस्तों, ये वीडियो चालू करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट लेके आया हूँ आपके साथ। अगर आपको एमएक्स का कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो प्लीज़ मेरी रेफरल लिंक से अप्लाई करिए जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी है। इससे एक बार आप अप्लाई कर देते हैं एमएक्स का कार्ड तो प्लीज़ मुझे उसका रेफरेंस नंबर स्क्रीनशॉट लेके ईमेल कर दीजिएगा। और अगर कोई भी रीज़न से आपका कार्ड थ्रू नहीं होता है तो मैं वो रीज़न फाइंड आउट करने की ट्राई करूंगा कस्टमर केयर से, और अगर छोटा सा पेटी रीज़न है तो उसको अपन रिजॉल्व भी कर देंगे। तो अभी जो वीडियो आप देखने आए हैं उसको आप आगे देखिए। थैंक यू। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भीमानी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ अभी एक थोड़ा पॉपुलर कार्ड जिसको अभी पब्लिक देखने लगा है, वो है ICICI एमरल्ड मेटल क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे पूछा कि ये ICICI मेटल क्रेडिट कार्ड कैसा है, जरा देखिए, मेरे RM जो है ये हमको देना चाहते हैं। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, मैं एक रिव्यू, एक उसका फीचर्स वगैरह पढ़ता हूँ और आपको एक रिव्यू देता हूँ। अब दोस्तों, ये क्रेडिट कार्ड जो है इसमें दो वेरियंट आते हैं, एक मेटल वाला आता है और एक प्लास्टिक वाला आता है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है मेटल वाले क्रेडिट कार्ड की बात करने वाले हैं। अब इनकी जो एनुअल फीस है, ज्वाइनिंग फीस है, वो 12,500 रुपया प्लस 18% GST है, जो करीब करीब 14,750 हो जाती है। और 14,750 मतलब ये सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड में आ गया। अब इसके अगेंस्ट आपको जो वेलकम बेनिफिट्स मिलता है, पहला तो आपको ताज की एपिक्योर की मेंबरशिप मिलती है, प्लस वन नाइट ताज का स्टे मिलता है, और दूसरा आपको इसमें मिलता है 12,500 पॉइंट्स मिल जाते हैं, और एक पॉइंट की वैल्यू है 1 रुपया। तो आपका जो ज्वाइनिंग बेनिफिट है वो पूरा का पूरा कॉम्पेंसेट हो जाता है वेलकम बेनिफिट से। ज्वाइनिंग फीस है वो पूरा का पूरा वेलकम बेनिफिट से कॉम्पेंसेट हो जाता है। इनफैक्ट आपको डबल वैल्यू मिल जाती है, क्योंकि अगर मैं ताज के रूम को 12,500 की तो मैं वैल्यू गिनूंगा ही, प्लस 12,500 पॉइंट्स तो मिल ही जाते हैं। अब दोस्तों, रिन्यूअल के लिए, जैसे नेक्स्ट ईयर के लिए आपको ताज का वाउचर या नाइट स्टे नहीं मिलेगी, नेक्स्ट साल में आपको 12,500 पॉइंट्स ही मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट ईयर के लिए ठीक है, कार्ड अच्छा है। नेक्स्ट ईयर्स के लिए ये कार्ड मेरे हिसाब से लेना है नहीं लेना है, ये आप आगे पूरा वीडियो देख के डिसाइड करिए। अब इसका दोस्तों रिवॉर्ड स्ट्रक्चर, इसका रिवॉर्ड स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपको 6 पॉइंट मिलता है 200 रुपए के स्पेंड्स पे, और इसकी टोटल में इंक्लूजन एक्सक्लूजन मंथली कैप कितनी है मैं इधर पे आपको स्क्रीन पे बता देता हूँ, आप पॉज करके देख लीजिए। बट 10 लाख रुपए के स्पेंड पे यहाँ पे ये कार्ड फ्री हो जाता है, उसकी एनुअल फीस जो है वो नहीं लगती है। तो अगर हम ये कार्ड को 10 लाख के स्पेंड तक लेके जाए तो आप देखेंगे, अगर 6 पॉइंट 200 पे मिलता है तो 10 लाख के स्पेंड पे आपको करीब करीब 30,000 पॉइंट मिलेंगे। तो ये 30,000 पॉइंट इज इक्वल टू 3% रिटर्न। बहुत लुक्रेटिव नहीं है, ओके है 3% रिटर्न के साथ। अब दोस्तों, इसमें दो माइलस्टोन मिलता है, एक 4 लाख पे माइलस्टोन मिलता है, एक 8 लाख के ऊपर माइलस्टोन मिलता है। 4 लाख के ऊपर आपको 3,000 रुपीज का इज माई ट्रिप का वाउचर मिल जाता है, और 3,000 रुपए का 8 लाख के ऊपर आपको इज माई ट्रिप का वाउचर मिल जाता है। तो करीब करीब 10 लाख के स्पेंड पे फर्स्ट ईयर में आपको 6,000 के वाउचर्स मिल जाते हैं, 30,000 पॉइंट मिल जाता है, प्लस जो आपको वेलकम बेनिफिट मिलता है वो अलग। अब दोस्तों, इसके बाद में आपको बताऊं, इसमें गोल्फ के लेसेंस फ्री मिल जाते हैं, जो मेरे हिसाब से कोई वैल्यूबल है नहीं इसमें। और उसके बाद अगर इसकी बेनिफिट देखूं तो मैं इसमें एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो है वो अनलिमिटेड मिल जाते हैं। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ये कार्ड, अगर आपके पास इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड है, एक्सिस एटलास है, एमएक्स है, ये सारे कार्ड्स हैं, तो मेरे हिसाब से ये कार्ड कोई ज़्यादा फायदे का है नहीं। ये कार्ड नहीं है तो ठीक है, आप सोच सकते हो एक बार रखना है कि नहीं रखना है। बट अगर आप ये कार्ड ले सकते हो ICICI एमरल्ड वाला, क्योंकि ये ICICI HNI को ही दे रहा है, या तो फिर बोल रहे हैं आप ये रिलेशनशिप बिल्ड करो, वो करो, FD करो, ये करो, वो करो, अगर ये कार्ड आपके लेने का कैपेबिलिटी है, इसका मतलब आपको और भी कार्ड एक्सेसिबल है। तो मेरे हिसाब से ये कार्ड पास करिए, इसके बदले बहुत मार्केट में अच्छे कार्ड्स है। एक एग्जांपल दूँ तो
इन्फिनिया है, इन्फिनिया मिलता है तो अच्छी बात है। इन्फिनिया नहीं है आपके पास तो एटलस है, एमएक्स का प्लेट ट्रैवल कार्ड है, इसको छोड़ के आपको विस्तारा के कार्ड्स है, IDFC विस्तारा वगैरह वाले कार्ड्स है, तो ये कार्ड ओके है, अच्छा है, ट्राई करना है, एंथुजियास्टिक लोगों को ट्राई करना है, फर्स्ट ईयर कर भी सकते हैं, बट इट्स ओके टू पास। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।